आज के आरोग्य सभा में हम दैनिक दिनचर्या, आहार विहार और कुछ प्रमुख जड़ी बूटियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। और गांव में या हमारे शरीर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं, उन बीमारियों को हमें दूर भगाना है और जीवन का आनंद, जीवन में यदि सुख पाना है तो आपको निरोग रहना ही पड़ेगा। बीमार आदमी कभी जीवन का सुख नहीं प्राप्त कर सकता है, चाहे उसके पास कितना भी धन दौलत हो, चाहे उसके पास कितना भी परिवार हो, यदि वो व्यक्ति बीमार है तो कभी भी जीवन का आनंद उठा ही नहीं सकता है। इसलिए जीवन का आनंद लेना है तो हमें निरोग रहना पड़ेगा, और निरोग रहने के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, बड़ी बड़ी बातों पर नहीं, छोटी छोटी बात जिसको हम लोग बेकार समझते हैं, यदि उन बातों पर ध्यान केंद्रित कर लें तो हम लोगों का जीवन सुधर जाएगा और हम सभी आरोग्य को प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए इसी दिशा में हम इस यात्रा को बढ़ाते हुए ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, मेरुदंड को सीधा करते हुए आंखें बंद और 3 बार ओम का उच्चारण, 1 बार गायत्री मंत्रों का जाप करेंगे। सांस भरिए, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम, आप सभी दिव्य आत्माओं को, आप सभी दिव्य आत्माओं को मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन पतंजलि योग पीठ हरिद्वार एक बार सबको मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में हाई कोर्ट के हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं आदरणीय राजीव रंजन राय जी, जिनके एक बार हम लोग कर्तव्य धनियों से स्वागत करते हैं। इन्होंने अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके हमारे इस ग्रामीण स्तर के कार्यक्रम में इन्होंने आने का मन बनाया और हम इनको कई महीनों से एक बार प्रयास कर रहे थे कि हमारे कार्यक्रम में ही गाँव में चलिए, आप तो शहर में रहते ही हैं, बड़े बड़े लोगों के संपर्क में रहते हैं, लेकिन मेरे आग्रह पर इन्होंने कहा कि चलिए आज 2 घंटा समय निकालते हैं, आपके साथ चलते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को, हम तो चाहते हैं कि किसी के जीवन में कानूनी झंझट को पड़े ही नहीं, किसी को केस फौजदारी में पड़े ही नहीं, यदि किसी प्रकार को कानूनी यदि सलाह लेनी हो निःशुल्क रूप में तो ये हमारे आदरणीय राजीव रंजन जी आपको कभी भी निःशुल्क सलाह दे सकते हैं, कभी भी इनसे आप मिल सकते हैं। आरा में रहते हैं और पटना में भी ये सेवा देते हैं, हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में भी ये सेवा देते हैं, तो कभी भी किन्हीं को जरूरत पड़े राय विचार विमर्श करने का किन्हीं समस्याओं पर, तो आप इन अड़चनों को दूर करने के लिए, कानूनी राय लेने के लिए निःशुल्क रूप में ये सेवा देते हैं कई वर्षों से, इसलिए इनको भी प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व भी हमारे बीच में आकर के ग्रामीण परिवेश में भी हम इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो आइए सीधे बैठ जाइए और सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे हमारे खान पान कैसे हो, व्यवहार कैसा हो, हमारा उठना बैठना कैसा हो। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं, भोजन से शुरू करते हैं। भोजन करते समय हम लोगों को पानी नहीं पीना चाहिए, आधा घंटा से लेकर के 45 मिनट एक घंटा के बाद हमें पानी पीना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि हम लोगों को पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, एक घंटे के बाद ही क्यों पीना चाहिए। तो इसका जवाब है कि हमारे शरीर के अंदर पाचक रस निकलता है और वो पाचक रस भोजन जितना करते हैं उतना ही पचाने के लिए वो निकलता है, और यदि उस भोजन के साथ पानी पी लेते हैं 1 लीटर 2 लीटर 4 गिलास 3 गिलास तो वो पाचक रस डाइल्यूट हो जाता है, यानी उसी उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है और वो भोजन समयानुसार नहीं पच पाता है और वो सड़ता है और गैस फॉर्म करता है, गैस बनता है, जिसके कारण